और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर ने शहबाज गिल की जानिब से लगाए गए इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि मरियम नवाज की खोखर पैलेस में कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई। सैफुल मलूक खोखर ने वजीर आजम के मावन खसूसी शहबाज गिल को मनाजरे का चैलेंज देते हुए कहा कि इनको ऐसे घटिया इल्जामात लगाने पर शर्म आनी चाहिए। सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि तहरीक इंसाफ का अपने लीडर इमरान खान की तर्ज पर झूठ बोलने का वतीरा है। शहबाज गिल ने भी झूठा इल्जाम लगाया है। उन्होंने चैलेंज दिया कि शहबाज गिल अगर इल्जाम साबित कर दें तो खोखर बरादरान सियासत को अलविदा कह देंगे। शहबाज गिल को झूठा इल्जाम लगाने पर लीगल नोटिस भी भिजवाऊंगा। नवाज साहब ने कोई खोखर पैलेस में किसी से कोई मुलाकात नहीं की। मुझे अफसोस हुआ शहबाज गिल साहब, आप झूठ बोलते हो। चैलेंज करता हूं, अगर ये आप साबित कर दें मैं अपने एमपीशिप से इस्तीफा दूंगा। मेरा भाई अफजल खोखर भी एमएनएशिप से इस्तीफा देगा। मैं आपको लीगल नोटिस भी भेजूंगा। बाद अजां वजीर आजम के मावन खसूसी शहबाज गिल ने सैफुल मलूक खोखर के बयान पर रद्दमल देते हुए कहा कि खोखर साहब हमें पता है आप जैसे लोग मुल्क दुश्मन बयानिए का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि आप तो खुद मजबूर और फंसे हुए हैं, ये मुलाकात आपकी तरफ नहीं हुई। लाहौर में कई और खोखर हाउस और खोखर पैलेस मौजूद है, इसका जवाब मरियम को देने दें कि ये मुलाकात कहाँ हुई। ख्याल रहे कि वजीर आजम के मावन खसूसी शहबाज गिल ने इल्जाम आयद किया था कि मरियम नवाज की एक भारतीय शहरी से जो मुलाकात हुई वो खोखर पैलेस में हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो इसी जगह पर रुकी रही और सिग्नल मिलने पर वहां से निकलकर सीधी खोखर पैलेस पहुंची।